हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकू राजपूत, लेक्चरर इन RVS पॉलिटेक्निक बिचपरी आगरा। बेसिक ऑफ मैकेनिकल की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो लेक्चर सीरीज है, ये हमारी थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज है और इसके साथ साथ ही एक हमारी MCQ क्लासेस, यानी जो सीरीज है MCQ सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें आज आपका ये लास्ट वीडियो है और इसमें आपकी यूनिट 3 जिसका नाम है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन को हिंदी में बोलते हैं स्नेहन, लुब्रिकेशन को बोलते हैं स्नेहन और लुब्रिकेंट को बोलते हैं आपका स्नेहक, ठीक है। तो वो कराऊंगा आज मैं, और ये आपकी एक ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर है इस यूनिट में और ये काफ़ी छोटा है। आई थिंक ये आपका 15 से 20 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी आगे से आपकी कौन सी क्लासेज चलेंगी, आपकी ओनली MCQ क्लासेज आपकी स्टार्ट रहेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन को हिंदी में बोलते हैं स्नेहन। देखो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ये समझो। आप सभी जानते हो, जब किन्हीं दो पार्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने देखा होगा घरों में, ठीक है, घर हैं आपके, घर में आपका पत्थर वाले पत्थर हैं, पत्थर पे अगर आप सीधे चलते हो तो अगर किसी अपने हाथ को आराम से सरकाओगे तो आप देखना उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। अगर वहाँ पे आप ऑयल डाल लोगे, पत्थर के ऊपर ऑयल डालोगे, फिर अपने हाथ को या किसी बॉडी को उसके ऊपर फिसलना तो देखना वो आसानी से फिसलेगी। तो लुब्रिकेट जो ऑयल है वो किसका काम करेगा, लुब्रिकेंट का, यानी स्नेहक का। वो क्या करता है, वो दो बॉडियों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है। और ये जो विधि रहती है फ्रिक्शन फोर्स को कम करने की, ये जो विधि रहती है उसे बोलते हैं आपका लुब्रिकेशन यानी स्नेहन, ठीक है। देखो, संपर्क सतह को घर्षण के कारण घिसने से रोकने के लिए सतह के मध्य एक कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थ पदार्थ होता है आपका, उसे बोलते हैं लुब्रिकेंट कहते हैं, कि पतली सी परत बना दी जाती है। यानी एक सतह आपकी ये रहेगी, इसके बीच में क्या रहेगा, लुब्रिकेंट की परत बना दी जाएगी, जिससे क्या है, दोनों के बीच में जो घर्षण लगेगा, जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घर्षण को कम करने की यह विधि स्नेहन कहलाती है, यानी स्नेहन यानी लुब्रिकेशन कहलाती है। MCQ क्वेश्चन बनेगा, घर्षण को कम करने की विधि क्या कहलाती है, स्नेहन कहलाती है, और घर्षण को कम करने में कौन से पदार्थ यूज होते हैं, तो वो कहलाएगा आपका लुब्रिकेंट यानी स्नेहक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन, यानी जो आपका प्रिंसिपल है लुब्रिकेशन का वो क्या है, ठीक है। देखो, इसे दो धातु सतहों के मध्य संपर्क के कारण घर्षण का मान अधिक होता है तथा उनमें सापेक्ष गति होने पर अधिक ऊर्जा व्यय होती है। क्योंकि अगर घर्षण का मान अधिक होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, हीट होगी तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिक खर्च होगी बेवजह, यानी उसका वेस्टेज ज़्यादा होगा, अधिक ऊर्जा व्यय होती है। स्नेहन के अंतर्गत इन धातु सतहों के मध्य कम घर्षण गुणांक वाला एक पदार्थ लगा दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। इससे घर्षण का मान काफ़ी कम हो जाता है तथा सापेक्ष गति होने पर कम ऊर्जा व्यर्थ होती है इसी को आपका प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कहते हैं अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊँ। आप सभी ने बचपन में साइकिल चलाई होगी, ठीक है। साइकिल जब आप चलाते हैं तो चैन देखी होगी, साइकिल की चैन, अगर साइकिल की चैन में अगर आप ग्रीस या कोई ऑयल नहीं डालोगे तो वो क्या है, आपको साइकिल पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपकी ऊर्जा क्या जाएगी, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, यानी जो साइकिल की चैन की जो सतह हैं पीछे वाले पहिए से, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ पे आपकी चिकनी सतह यानी लुब्रिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप जितनी पावर आप उस पर लगाओगे उससे कम आपको पावर पीछे के पहिए पे मिल रही होगी। अगर मैं उस साइकिल की चैन में आप लुब्रिकेशन या कोई ऑयल डाल देते हो, आप पीछे के पहिए में ऑयल डाल देते हो, तो आप देखोगे पहिया आसानी से घूमना स्टार्ट हो जाता है।
और आसानी से घूमेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या है, आपका फ्रिक्शन गुणांक कम हो जाता है। और एक और एग्जांपल मैं बताऊँ, एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे आपके सभी के घर में पंखे लगे होंगे, ठीक है, पंखे लगे हैं, ठीक है, पंखे में आपने देखा होगा कि पंखा जब आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो तो आप कहते हो इसकी बैरिंग घिस गई है या बैरिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो वो मैकेनिक क्या करता है, उस बैरिंग के अंदर लुब्रिकेशन डाल देता है, क्योंकि जब बैरिंग के अंदर लुब्रिकेशन नहीं था तो पंखा आवाज़ ज़्यादा कर रहा था और स्पीड कम दे रहा था और हीट ज़्यादा हो जाता है पंखा, ठीक है। और जैसे आप उस मैकेनिक के पास जाओगे तो मैकेनिक क्या करेगा, बैरिंग में लुब्रिकेंट यानी ग्रीस डालेगा और फिर पंखे को आप रन कराओगे तो पंखा स्मूथली से आसानी से क्या हो जाता है, रन हो जाता है। इससे क्या रहता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है। यही प्रोसेस आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन। और इसमें जिन पदार्थों का यूज होता है उन्हें लुब्रिकेंट यानी स्नेहक कहते हैं। और इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को, जो फ्रिक्शन कम करने का ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को आपका कहते हैं आपका लुब्रिकेशन यानी स्नेहक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन। बेस पहला ऑब्जेक्ट है इसका, एक मिनट, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रिक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाले तापमान को कम करने के लिए। आप सभी जानते हो जब आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा तो तापमान वहाँ पे क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाता है। जैसे अपने हाथों की जो हथेलियाँ, इन्हें एक के ऊपर एक रगड़ोगे तो आपकी हथेलियाँ क्या हो जाएंगी, जल्दी गर्म हो जाती हैं। अगर मैं इनके बीच में कोई ऑयल डाल दूँ तो हथेलियाँ आसानी से एक के ऊपर एक पिस लेंगी और रगड़ खाएंगी और वो आसानी से हीट नहीं होंगी, क्योंकि लुब्रिकेंट क्या कर देगा, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से तापमान आपका जल्दी इंक्रीज नहीं होता। दूसरा है टेम्परेचर को कम करके ऊर्जा की बचत करने के लिए, क्योंकि अगर आपका ऊर्जा किसकी फॉर्म में रहती है, टेम्परेचर की फॉर्म में। अगर आपका टेम्परेचर कम खर्च होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी आपकी, कम ऊर्जा की भी क्या होगी, बचत होगी। नेक्स्ट है घिसाव दर को कम करने के लिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर आपका कम होगा, जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को आप रगड़ोगे तो उनमें से घिसाव होना, यानी वो घिस जाएंगी, धीरे धीरे घिस जाएंगी। अगर उनके बीच में लुब्रिकेंट का यूज करेंगे तो वो आसानी से नहीं घिसेंगी, क्योंकि लुब्रिकेंट क्या कहता है, उस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है आपका मशीन को ब्रेक डाउन की संभावना को कम करने के लिए, क्योंकि आपका फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही आपका ज़्यादा रहेगा तो जो मूविंग पार्टिकल होते हैं पिस्टन के अंदर, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उनके ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि अगर बाइक आपकी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उन्हें क्या कर दे, बंद कर दे, क्योंकि बाइक के इंजन का जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या, उसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनों की देखरेख में व्यय होने वाले धन की व समय की बचत करने के लिए, क्योंकि अगर आप मशीनों का टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन करते रहोगे तो उससे क्या है, मशीन आपकी ख़राब नहीं होगी, और ख़राब नहीं होगी तो उसमें मेंटेनेंस का काम भी कम होगा, और जिससे आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट यानी जो आपका लुब्रिकेंट जो पदार्थ होता है जो फ्रिक्शन फोर्स को कम करता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो आपके चार प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट वन है लिक्विड लुब्रिकेंट, सेकंड है अर्ध द्रव या अर्ध ठोस यानी सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, थर्ड वन है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट, और फिफ्थ वन है आपका गैस लुब्रिकेंट, ठीक है। पहला है आपका लिक्विड लुब्रिकेंट। द्रव लुब्रिकेंट मुख्यतः खनिज तेल, यानी जो लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, खनिज तेल, मिनरल्स ऑयल्स, कॉमा पशु तथा वनस्पति एनिमल तथा वेजिटेबल्स ऑयल तथा सिंथेटिक ऑयल आदि प्रकार के होते हैं। यानी जितने भी ऑयल होते हैं वो सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो सब आते हैं आपके लिक्विड लुब्रिकेंट की कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। इनमें सर्वाधिक उपयोग खनिज तेल का होता है और वांछित गुण यानी डिजायरेबल प्रॉपर्टी के विकास के लिए कभी कभी, यानी अगर हमें अगर फ्रिक्शन फोर्स और कम करना है तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक तेलों को आपस में मिलाकर भी प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से
अधिक तेलों को भी आपस में मिलाकर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके लिक्विड लुब्रिकेंट। ये जितने भी ऑयल होते हैं वो किस में आते हैं, आपके लिक्विड लुब्रिकेंट में आते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। भारी बलों को संचरित करने के लिए तरल स्नेहक क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। यानी जहाँ कहीं पे आपका ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा तो वहाँ पे आपका जो लिक्विड होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट, वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, विफल हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए अधिक गाढ़े स्नेहक का प्रयोग किया जाता है जो ठोस तथा तरल के माध्यम की अवस्था रहती है, यानी जो ठोस और तरल के बीच में आता है, और उसमें प्रयोग होता है आपका ग्रीस और थिकनेट मिनरल सॉल्ट। जो सबसे यूज ज़्यादा होता है वो रहता है ग्रीस। यानी ग्रीस कैसा है आपका, सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड आपका लुब्रिकेंट है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यह पेस्ट जैसे भौतिक अवस्था में रहता है, यानी यह कैसी अवस्था में रहता है, जैसे कि आपका पेस्ट होता है जिससे आप ब्रश करते हो, और बहुत अधिक भारी बलों को संचित करने में ठोस स्नेहक अच्छा परिणाम देता है। और जहाँ कहीं पे आपको ज़्यादा वो लगाना हो फोर्स, तो वहाँ पे आप इसी लुब्रिकेंट का यूज करते हो, ग्रीस का, जैसे आपने देखा होगा चैन, जो बाइक की चैन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के ये अधिकतर रहते हैं। ठोस स्नेहक को दो संपर्क सतहों के बीच में दबाया जाता है। ठोस स्नेहक तल में खाली स्थानों में भरा रहता है, और इस प्रकार तल का उतार चढ़ाव, असमानता तथा घर्षण भी कम हो जाता है। ठोस स्नेहक के लिए आमतौर पर दलवा लोहे के साथ ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ठोस स्नेहक लुब्रिकेंट वे रहते हैं जो सॉलिड अवस्था में रहते हैं, और उसमें सबसे यूज रहता है किसका, ग्रेफाइट का। इसमें ग्रेफाइट का आप यूज करते हो स्नेहक। यानी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉलिड लुब्रिकेंट निम्न में से कौन सा है, तो ग्रेफाइट आपका जो पेंसिल की जो लेड होती है वो कैसा है आपका, सॉलिड लुब्रिकेंट है। वो कैसा लुब्रिकेंट है आपका, वो सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस लुब्रिकेंट। सीएनसी मशीनों में प्रयोग होने वाली स्लाइडों के मध्य गैस प्रवाहित करके स्नेहन किया जाता है। यानी सीएनसी की जो स्लाइडें होती हैं उनके मध्य जो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ गैसों का यूज करते हैं, उन गैसों को आप बोलते हैं गैस लुब्रिकेशन। इसका मुख्य लाभ यह होता है, गर्म होने पर यह चिपचिपाहट उत्पन्न नहीं होने देते। जैसे ऑयल, जैसे आप ग्रीस को करो, ग्रीस हीट होता है तो चिपचिपापन हो जाता है, जबकि गैस से क्या रहता है, अगर ये हीट हो जाएंगी तो ये आपका चिपचिपापन नहीं देती है। गैस स्नेहन के रूप में, ठीक है, ये जो कौन सी यूज रहते हैं, जैसे ग्रेफाइट सॉलिड हो गया, ग्रीस आपका सेमी सॉलिड हो गया, और गैस लुब्रिकेंट में गैस स्नेहकों के रूप में मुख्यतः वायु यानी एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसों का प्रयोग किया जाता है। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड लुब्रिकेंट में सारे आपके वेजिटेबल्स, एनिमल्स और सिंथेटिक और मिनरल्स ऑयल आ जाते हैं। सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड में आपका आता है ग्रीस, और सॉलिड लुब्रिकेंट में आता है आपका ग्रेफाइट, और गैस लुब्रिकेंट में आता है आपका वायु यानी एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें आपकी इस लुब्रिकेंट में आती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका अच्छे स्नेहक की गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बस प्रॉपर्टी क्या क्या रहती है, ये आपको इन प्रॉपर्टियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा कि लुब्रिकेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। पहली है श्यानता, द्रव के इस गुण के कारण, पहली क्या है श्यानता यानी विस्कोसिटी, द्रव के इस गुण के कारण कोई द्रव दो सतहों के मध्य दाब तथा ऊष्मा के प्रभाव के कारण शेयरिंग का विरोध करता है। क्या? शेयरिंग का विरोध करता है। अधिक तापमान पर यह गुण कम हो जाता है, अतः अधिक तापमान वाले स्थान पर ऐसे तेल का चुनाव करना चाहिए जो अधिक ताप व दबाव को सहन कर सके। श्यानता क्या है, शेयरिंग दो सतहों के मध्य शेयरिंग फोर्स का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑयलनेस, चिकनापन, स्नेहन का यह एक आवश्यक गुण है। इस गुण के कारण संपर्क सतहों के मध्य चिकनापन रहने की वजह से आसानी से गति कर सकते हैं, यानी अगर चिकनापन रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, आसानी से मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका आसानी से क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण,
स्नेहन में कम ऑक्सीकृत होने का गुण होना चाहिए। ऑक्सीकरण का मतलब यानी खर्च होने का, ठीक है। ऑक्सीकरण में तेल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसके बहने की फ्लो की जो क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का क्या होना चाहिए, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का गुण कम होना चाहिए। नेक्स्ट है वॉलेडिलिटी, वोल्टेलिटी यानी वाष्पशीलता। अच्छे स्नेहक को अधिक तापमान पर वाष्पीकृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाष्पीकृत हो गया तो हमें दोबारा से क्या डालना पड़ेगा, उसमें लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका पानी वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट है पाइसीकरण, इमल्सीफिकेशन। अच्छे स्नेहक को धूल कण या कार्बन कणों के साथ मिलकर पायरस नहीं बनाना चाहिए, यानी अलग से कोई एक मटेरियल रहता है पायरस, वो नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या रहता है, इससे तेल के बहने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है एसिडिटी यानी अम्लता। तेल या स्नेहन में अम्लीय गुण नहीं होना चाहिए, वरना वेयरिंग पदार्थ से क्रिया करके वो पदार्थ को क्या कर देगा, क्षण कर देगा, यानी कोरोजन बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट, स्फुरांक। तेल का स्फुरांक ताप उसके प्रयोग के अंतर्गत उत्पन्न तापमान होना चाहिए, यानी जो इसका स्फुरांक तापमान होता है वो अधिक होना चाहिए, जिससे कि तेल आसानी से जल ना सके। फ्लैश पॉइंट क्या रहता है, जलने वाला पॉइंट, ठीक। फायर पॉइंट, वह ताप, इस तापमान पर तेल अपने आप ही दहन आरंभ कर देता है, अतः तब तक दहन होता रहेगा जब तक पूरा ना जल जाए। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों लगभग सेम ही है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम से बहुत अधिक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे माइनस का टेम्परेचर रहता है वहाँ पे जो आपका लुब्रिकेंट है वो आपका जमना नहीं चाहिए। यह वह तापमान है जिस पर तेल जमना आरंभ कर देता है और उसके बहने का गुण कम हो जाता है। अच्छे तेल का हिमांक अधिक होना चाहिए, यानी वो अधिक बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी वो जमना नहीं चाहिए। इस गुण का प्रयोग प्रशीतन संयंत्र, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में भी किया जाता है, ठीक है। ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट है आपका स्नेहन के मेथड, यानी मेथड ऑफ लुब्रिकेंट, यानी आप लुब्रिकेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसकी मेनली बस आपको, ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, बस तभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है गुरुत्व केंद्र, इसमें तीन आते हैं, हाथ के द्वारा स्नेहन, बत्ती के द्वारा स्नेहन, बूंद वाहन के द्वारा स्नेहन। तीसरा रहता है मैकेनिकल लुब्रिकेंट, इसमें रिंग के द्वारा स्नेहन, स्प्लैश के द्वारा स्नेहन, और स्प्लैश और गुरुत्व स्नेहन। तीसरा है बल के द्वारा स्नेहन, इसमें आता है शुष्क औदी विधि और आर्द्र औदी विधि। अब देखो मेनली ये आपको नहीं है, मेनली ये समझना है, ठीक है। जैसे गुरुत्व स्नेहन में क्या रहता है, जो आपका लुब्रिकेंट है मशीनों में वो आपका ग्रेविटी फोर्स की वजह से जाए। जैसे हाथ के द्वारा आप, जैसे आप बाइक को, जैसे आप हवा डलवाते हो तो उस पर एक कुप्पी लगी रहती है होंदी, आप क्या कहते हो उसे ऊपर करके ऐसे डालते हो तो ग्रेविटेशन की वजह से आपका लिक्विड नीचे आ जाता है। या आप किसी बोतल में लिक्विड डाल दें और उसमें एक आपका वो धागा डाल दें, जिससे क्या है कैपिलरी फोर्स होता है, कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा वो धागे से जो ऑयल है वो रिसता हुआ नीचे नीचे वो आपका मशीन पे टपके। यानी ऐसी विधि जिसमें जो आपका लुब्रिकेशन है गुरुत्वीय फोर्स के कारण होता है, गुरुत्वीय विधि कहलाती है, गुरुत्वीय फील्ड लुब्रिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल लुब्रिकेशन, इसमें क्या रहता है, जो लुब्रिकेंट होता है वो मैकेनिकल के द्वारा रहता है। इसमें क्या रहता है, जैसे समझो ये आपकी एक वो है, ठीक है, इसमें ऑयल भरा है, ठीक है, ऑयल, और इसमें ये आपकी चैन है कि ये चैन क्या करेगी, ये चैन ऐसे मूवमेंट करेगी, ठीक है। ये मैकेनिकली ये चैन नीचे जाएगी लुब्रिकेंट में जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी, फिर ये ऐसे पूरी चैन इस लुब्रिकेंट में जाएगी, ये कहलाती है आपकी मैकेनिकल लुब्रिकेशन विधि। ये कैसी विधि कहलाती है, आपकी मैकेनिकल लुब्रिकेशन विधि। इसमें तीन आती हैं, रिंग या चैन स्नेहन विधि, स्प्लाइस स्नेहन विधि और स्प्लाइस व गुरुत्व केंद्र विधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बल या स्नेहन विधि, इसमें जो आपका लुब्रिकेशन किया जाता है मशीनों में वो किसके द्वारा किया जाता है, पंपों के द्वारा। जहाँ पे पंपों के द्वारा, यानी एक टैंक में आपका लुब्रिकेंट होगा, वहाँ से पंप के द्वारा लुब्रिकेंट मशीनों के पार्ट्स में जाएगा, फिर दूसरी पंप से वो अगेन उसी में आ जाएगा, यानी पंप के द्वारा लुब्रिकेंट आपका क्या हो, फ्लो हो, वो आ जाता है आपका फोर्स लुब्रिकेंट मेथड में, ठीक है। वो किस में आ जाता है, फोर्स लुब्रिकेंट मेथड में। और आज आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और अब आगे के टाइम पे आपकी एमसीक्यू क्लासेस कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।